व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यार मैं इतने टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि इतने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने मेकअप या फिर ब्यूटी ब्रांड्स खोल लिए हैं, जैसे कि कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, कृति सैनन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इतनी रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि सनी लियोनी ने भी अपना मेकअप ब्रांड खोला हुआ है बाय द नेम स्टार स्ट्रक। एंड वैसे तो मैंने पूरी वेबसाइट छान मारी है, ऑलमोस्ट सारे ही तरीके के मेकअप प्रोडक्ट्स थे वहाँ पे एंड प्राइजेस भी मेरे को मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लेकिन ज़्यादा सस्ते भी नहीं थे, मतलब मिड रेंज टाइप मेरे को लगे। एंड मैंने ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें मंगवा ली है, तो आओ एक एक करके ट्राई करते हैं एंड थोड़ा प्यारा सा 2024 का नया मेकअप लुक क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा हमारा सारा मेकअप भाई साहब, ये तो बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें लग रही है मेरे को। ओके, सबसे पहले हमारे पास प्राइमर जो कि ऐसे मस्त ब्लैक सी कलर की बॉटल में आई है, मेरे को 1000 रुपए का पड़ा है, 1000 रुपए का प्राइमर। एंड ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इट्स वेरी वाइट। यूजुअली मैं ट्रांसपेरेंट वाले प्राइमर्स लगाती हूँ, ये बड़ी हल्का ऐसे क्रीमी कलर में थोड़ा आई, थोड़ा शाइन भी मार रहा है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं किसी सेलिब्रिटी का मेकअप लाइक प्रॉपर यूज कर रही हूँ एंड आई थिंक ये ठंड की वजह से जम गया है, बड़ा ही मुश्किल से निकला है। कि जिस तरीके से दिख रहा है, क्रीम लग रही है मेरे को एंड इट्स वेरी शाइनिंग। इसने कलर चेंज कर लिया अपना, ये पिंक हो गई ऐसे मसाज करके थोड़ी देर। वाह ये तो मैजिकल है, ये लग तो बहुत ही आराम से रहा है। थोड़ा सा मेरे को ये लिक्विडी लाइक पानी टाइप सा लग रहा है। ऑल्सो दैट्स इट, ये ख़त्म हो गया, ये ज़्यादा अच्छे से फैला नहीं है। आई डोंट नो, आई थिंक आई नीड टू टेक मोर। व्हाई सो मेनी पम्प्स आई हैव गिवन यू, ये आ ही नहीं रहा है। साहब इतनी मेहनत लग रही है इसको निकालने में, मेरे को और चाहिए भाई, आ जा। नहीं निकल रहा है ये, सच में निकल रहा है। आई डोंट नो 1000 रुपीज़ में कितना ही प्रोडक्ट आया या फिर ये मुझे बाहर से ही दिख रहा है, बट ये निकल बहुत मुश्किल से रहा है। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, बट इसी से काम चलाना पड़ेगा हमें अब। ऑल्सो खुशबू वाइज इसकी कोई खुशबू ही नहीं है, तो वैसे इट्स अ गुड थिंग। मतलब मेरे को ज़्यादा फ्रेग्रेंस मेकअप में स्पेशली पसंद आती नहीं है, वो पूरे दिन सर में दिमाग में चढ़ जाती है, सर दर्द हो जाता है। तो या अगर फ्रेग्रेंस नहीं है इट्स ऑल्सो गुड, आई एम फाइन विद इट। हमारी बारी आती है कंसीलर की। मेरे को इसकी पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी लगी, ऐसे लाइक बेबी पिंक कलर में, ऊपर ऐसे स्टार्स भी ऐसे चमक भी रहे, ऐसे थोड़ा सा शाइन मारोगे तो इट्स नाइस। ये मैंने शेड NC112 में मंगाया एंड ये मेरे को 800 रुपये का पड़ा है, 800 रुपये का कंसीलर। एक तो ठंड इतनी है ना, मेरा हाथ जम गए। क्यों सोनिया क्यों? पैकेजिंग में एक और पैकेजिंग है, इट्स लाइक प्रॉपरली सील पैक्ड, तुम्हें पूरा ही हटाना पड़ेगा इसे यूज करने से पहले। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा वाला प्रोडक्ट लग रहा है, बट पता नहीं क्यों आ गया, इसे ठंड में जम गया, इसमें से क्रैक आए हुए हैं, लाइक ये काफ़ी थिकी सा लग रहा है मेरे को। ऑलराइट लेट्स ट्राई थोड़ा सा इधर। ओके अगेन इसमें भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है एंड वैसे कंपैरेटिवली प्राइमर के बहुत ही इजीली लग रहा है, बट मेरे को हल्का हल्का सा लगाने के बाद दोबारा प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है, लाइक एक ही प्रोडक्ट मेरे पूरे फेस पे कवरेज नहीं दे रहा है। तो या ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, मेरे को इस कंसीलर से ही फुल अपना फेस यू नो कंसील या फिर कवर करना पड़ेगा बिकॉज दे डोंट डू फाउंडेशन। येस आई चेक, सो देर वॉज कंसीलर एंड कॉम्पैक्टर, लाइक बीच में देर इज़ नो फाउंडेशन। आई थिंक इससे काफ़ी अच्छी कवरेज मिल जाएगी, वो हमें ब्लेंड करके ही पता चलेगा, तो लेट्स डू दैट। ये ब्लेंड तो काफ़ी अच्छे से हो रहा है, ओके दैट्स नाइस। मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा मैंने एक शेड डार्कर मंगा लिया, आई गेस ब्लेंड ओके थोड़ा सा सही लगेगा, लेट्स सी, लेट्स नॉट जज अभी से। इट फील्स लाइट, ऐसे मुझे लाइक थोड़ा क्रीमी या फिर केकी इतना नहीं फील हो रहा है फिलहाल अभी अपने फेस पे एंड ये मेरे को काफी स्मूथ भी लग रहा है, ऊपर ज्यादा केकी या फिर क्रीमी भी नहीं लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि फाउंडेशन की नहीं भी जरूरत पड़ेगी तो भी ठीक है, बट हाँ अगर फाउंडेशन होता तो और अच्छी कवरेज आ जाती, ऐसा मुझे लगता है। तो या बट अभी फाउंडेशन तो नहीं है तो हमें कॉम्पैक्ट से काम चलाना पड़ेगा। ओके फाइनली ये रहा कॉम्पैक्ट, ये भी बहुत ही ऐसे लाइट बेबी पिंक कलर में है एंड ये थोड़ा सा शाइन भी मार रहा है, स्टार्स भी दे रखे हैं इसमें। ये मैंने 02 लाइट शेड में मंगवाया है एंड ये आ जाओ डरो मत भाग आ जाओ निकल ही नहीं रहा। ये ऐसे ब्लैक कलर में आया है एंड इस पर पूरी ब्रांडिंग वगैरह सब प्रॉपर दे रखा है, तो जैसा कि मैं कहती कि ये मैंने सेकेंड लाइट शेड में मंगवाया, ये मेरे को 700 रुपये का पड़ा है। यस हल्का सा ये हटाना पड़ेगा हमें। इसके साथ बेस्ट पार्ट ये है कि हमें पफ मिला है, तो यूजुअली ऐसे वाले कॉम्पैक्ट में पीछे ये दे रखा होता है ना कि तुम इसमें अपनी फिंगर डालो एंड यू कैन जस्ट यूज इट, ये टूट गया ये मेरी बिल्कुल ग्रिप नहीं संभाल पाया
ओके ये भी निकल गया। ये शेड मेरे को प्रॉपर लग रहा है कि हाँ मेरे पे सूट कर जाएगा। मिरर भी दे रखा है वैसे तो, बट ये रहा मेरा इतना बड़ा मिरर कैमरा। ओके इसमें भी कोई खुशबू नहीं है, विच इज़ गुड। आई लव फ्रेगरेंस फ्री मेकअप। ये बहुत ही आराम से लग रहा है, पता है इतना स्मूद है। मेरा मन कर रहा है मैं पूरे टाइम बस यही करती रहूँ, यही लगाती रहूँ अपने फेस पे। जो ये पैड है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, जो एक कुशन है इट्स वेरी वेरी मुलायम सा, वेरी नाइस। एंड आई थिंक इट्स डन, इट्स वे टू सॉफ्ट। मेरी स्किन स्मूद हो गई है। वॉट इज़ हैपनिंग, वॉट इज़ इन दिस प्रोडक्ट? मैं बिल्कुल फ्रेश लग रही हूँ, ऐसा लग रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई वॉज लाइक अ होल डिफरेंट पर्सन, एंड मैं बस दो तीन स्टेप में पूरी चेंज हो गई हूँ। लेकिन और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट अभी है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लश, हाइलाइटर एंड कंटूर किट, जो कि मेरे को पड़ी है 899, 900 रुपए की पड़ी है ये मेरे को। एंड इसमें तीनों ही चीजें हैं। ये मैंने शेड मंगाया है कोरलिश, काफी अच्छी पैकेजिंग है, काफी लाइक हार्ड ऐसे पैकेजिंग करेंगे कोई खोल ना ले इसको। वाओ ओके, तो खुलते ही मुझे इसके अंदर ऐसे फोम फोम दिख रहा है, सो इट्स लाइक वेरी सिक्योर्ड। इस पूरे कार्डबोर्ड के अंदर ऐसे फोम दे रखा है ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे, इसको कुछ ना हो। इतनी मस्त प्यारी मैट ब्लैक कलर की पैकेजिंग, आई रियली लाइक इट। वाओ ओके दोबारा करते हैं। ओके विल प्रिटेंड हमने नहीं देखा। मेरे को तीनों ही शेड तो ज्यादा मस्त लग रहे हैं। एंड ओके लेट्स ट्राई इट। हम अपने उबले हुए अंडे के फेस को शेप देंगे। आई गॉट कन्फ्यूज। ओके ये रहा हमारा कंट्रोल वाला शेड, थोड़ा सा लिया फिर ऐसे डस्ट किया। क्या आपको भी मॉडल हो भाई साहब? मैं बोलते बोलते मेरे चीक बोन्स आ गए। एकदम से ही इफेक्ट आ रहा है, दिख रहा है कि हाँ ओके चेंज्ड। ये मेरा बहुत मस्त चलने वाला है कंसिडरिंग कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इतना कम यूज हो रहा है इसमें। आई गेस वी आर डन, काफी अच्छा इफेक्ट आया है। एंड थोड़ी सी शेप भी चेंज हुई है ना, जस्ट टेल मी हुई है। इतना प्यारा ऐसे कोरलिश सा ब्लश लग रहा है मेरे को। सी अगेन, मैंने दोबारा प्रोडक्ट नहीं लिया है, सेम ही प्रोडक्ट को मैंने दूसरे चीक पे भी लगा लिया है। एंड मैं थोड़ा सा अपने ऑल ओवर फेस पे लगाना चाहती हूँ ताकि वो थोड़ा इवन लगे, वरना ऐसा लगता है कि सिर्फ गाल ही पिंक दिख रहा है। नहीं, हम थोड़ा पूरा फेस दिखाएंगे कि ऐसे हेल्दी नेचुरल लुकिंग पिंक फ्लश्ड फेस है, यू नो। काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है, एंड ये पाउडर बेस्ड है तब भी ये मेरी स्किन को ड्राई नहीं कर रहा है, दैट्स नाइस। थोड़ा सा अपने आप को चमकाते भी है, हाइलाइटर भी लगा के देखते हैं। ओके नोज पे, भाई साहब क्या मस्त मेरी नाक चमक रही है। देखो अभी धूप नहीं आ रही क्योंकि ठंड का मौसम है, बट अभी जितनी भी लाइक घर की लाइट है उसमें भी काफ़ी अच्छा शाइन मार रहा है। देखो मस्त, ये ना ऐसे शैम्पेन कलर में थोड़ा सा पिंकिश शिमरी वाला शेड है, तो आई गेस तुम्हारा डेली वेयर में भी बट पार्टी में भी तो आराम से चली जाएगा ये। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं शायद कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी, एंड ये मेरी एक्सपेक्टेशन से फिलहाल अभी लाइक अच्छा ही वर्क कर रहा है। लाइक अभी तक मेरे को सारी चीज़ें अच्छी लगी, अच्छे से मेरे फेस पे लग भी रही हैं, एंड आराम से मेरे से मेकअप भी हो रहा है, लाइक मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मूविंग ऑन, हमारे पास है दी ओजी आई शेडो पैलेट। ये अभी तक जितने भी हमने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें से सबसे महंगा प्रोडक्ट है ये। मेरे को 2000 रुपये की आई शेडो पैलेट पड़ी है, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसमें आई थिंक कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्टार्स हमें मिले, लेकिन ये पैकेजिंग है ये कुछ इस तरीके से खुलता है। ओके वी हैव मिरर एंड ये पैकेजिंग। ओके एक सेकेंड। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वैसे मोस्टली इसमें बेसिक वाले हमारे पास सारे ही कलर्स है, लाइक रेड, पिंक, ग्रीन, ब्लू एंड थोड़े से बेसिक न्यूट्रल कलर भी है, ब्राउन्स भी है हमारे पास। ऑल राइटी, पहले बेस करके देखते हैं। आई थिंक विद दिस, क्या शेड है ये, डेलिकेट। ओके कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है यार ये। ओके ये बहुत बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मैंने बहुत ही हल्का सा प्रेशर से डिप किया है इसके ऊपर एंड इतना सारा कलर निकल कर आया, विच इज़ अ गुड थिंग। बट हाँ, इसे ब्लेंड बहुत अच्छे से करना पड़ेगा वरना ये बहुत वियर्ड लग सकता है। पहले मेरे को आई शेडोज करते हुए इतना ज़्यादा डर लगता था क्योंकि नहीं आता था ना, बट वही यूट्यूब पे देख देख के या फिर इंस्टाग्राम पे ट्यूटोरियल देख देख के आई लर्नड। एंड मैं ये नहीं कह रही कि आई एम लाइक द बेस्ट, बट आई ऑब्वियसली इम्प्रूव्ड एंड स्लोली स्लोली कर करके ही, प्रैक्टिस कर करके ही, खुद पे या फिर किसी और पे, या यू काइंड ऑफ इम्प्रूव योर स्किल्स एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी एज वेल। तो थोड़ा सा ये वाला लेके देखते हैं आउटर कॉर्नर के लिए। आउटर कॉर्नर, मी सेइंग आउटर कॉर्नर।
मस्त तो निकल रहा है, बस आई से ब्लेंड अच्छे से करना पड़ेगा, अच्छे से यू नो ब्लेंड हो रहा है। आई गेस मैं अपने फिंगर से भी कर सकती हूँ, इट्स दैट स्मूथ एंड इजी एंड डूएबल यू नो। थोड़ा सा शिमरी शेड लेते हैं ये वाला, इसके ऊपर लगाते। वाह, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही ले लिया, ब्लेंड कर देते हैं। बिल्कुल पार्टी रेडी हो गई हूँ मैं, कितना मस्त ऐसे शाइनी शाइनी। ओ वाह, थोड़ा सा ऐसे मेटेलिक मरून लेते हैं एंड उसको नीचे लगाते हैं, ऐसे मस्त ओपन अप हो जाएंगे। वाह, ऐसा लग रहा है अब मैं एक नेक्स्ट लेवल पे चले गई हूँ। आई एम लाइक प्लेइंग अराउंड विद इट नाउ, विच इज ऑलवेज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज फिर कुछ और ही नया ऐसा मस्त लुक निकल कर आता है। ऐसे ही कलर्स के साथ फन करने के लिए मैंने ब्लू कलर में लिक्विड आई लाइनर मंगवाया है, ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आया है, ये मेरे को पड़ा है 500 रुपए का। ओके तो ये पूरा हमारे पास कुछ इतना ही प्रोडक्ट है, लाइक दिस मच, ये जो छोटी सी बॉटल नीचे आई है। Alrighty, let's use it like this. ये कलर है, ये थोड़ा शाइन भी मार रहा है, इट्स लाइक मेटालिक ब्लू इंडिगो, मस्त तो निकल कर आ रहा है, ऐसे कॉन्ट्रास्ट अच्छा लग रहा है। यूजली मैं ब्लैक के साथ ही जाती हूँ, बट आई एम ग्लैड आई एक्सपेरिमेंटेड विद द कलर, क्योंकि ये भी अच्छा निकल कर आया है, आई लाइक इट। वैसे ये कुछ इस तरीके से निकल कर आया है, ये वाला मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छा एंड स्लीक आया है, ये मैंने थोड़ा जोश जोश में बड़ा और मोटा बना दिया है। हमेशा डिफरेंस तो आता ही है आई लाइनर्स में, हमेशा बहुत ही मुश्किल से सेम सेम लगता है, बट ओवरऑल कुछ इस तरीके से, या तो तुम ये वाला स्टाइल कर सकते हो या फिर ये वाला भी स्टाइल कर सकते हो, दोनों ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं इसको छेड़ नहीं रही हूँ, वरना मेरे को बेस भी चेंज करना पड़ेगा, सो विल जस्ट गो अहेड विद दिस। बट या आई लव द इफेक्ट, द ड्रामेटिक ब्लू से जो आया है ना ऐसे इफेक्ट, काफी मस्त लग रहा है। लेकिन हमारे पास है इसको ठीक करने के लिए एक वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा, ये मेरे को 900 रुपीज का पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि लाइक बढ़ता जा रहा है लाइक इंडिविजुअली प्राइजेस, ये बहुत बड़ा है भाई साहब, ये काफी हैवी भी लग रहा है। आई लाइक दिस, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मस्कारास, बट पता नहीं क्यों मुझे ये वाला ऐसा लग रहा है कि लगाते ही काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। आई डोंट नो, कोम्ब आउट तो अच्छे से हो गया है, ऐसे क्लम्पी क्लम्पी भी नहीं हुआ, एंड अभी गीला ही है मस्कारा, सूखा नहीं है, बट मेरी आंखें स्टिकी स्टिकी भी नहीं हो रही है, मैं आराम से ब्लिंक भी कर पा रही हूँ। ओके, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, इतने में मेरी टेस्टिंग हो जाती है मस्कारा की, एंड दिस वन आई थिंक इज़ अ पास। ये मेरे को 550 रुपये की लिपस्टिक पड़ी है, एंड ये मैंने शेड मंगवाया है बेबी डॉल, ऑफ कोर्स बेबी डॉल में सोने की। वाओ, वेरी वेरी प्रिटी, बहुत बहुत सटल, लाइक बहुत ही, अगर मैं बिल्कुल घुस के सूंघूंगी ना तो मुझे खुशबू आ रही है, बट वो भी बहुत ही अच्छी नाइस फ्रूट, नहीं नॉट फ्रूटी सॉरी फ्लोरली वाली खुशबू आ रही है। यहाँ ट्राई करते हैं सर, आई लव दिस शेड, वाओ एक बारी में क्या मस्त लगा है, एंड कितना अच्छा इफेक्ट आया। बट इसको मेरे को एक और कोट करके देखना कि क्या इफेक्ट आएगा, यू नो ये बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को, इट्स क्रीमी एंड इट फील्स नरिशिंग, ऐसा नहीं लग रहा कि चिपी चिपी हो रहा है या फिर ड्राई ड्राई हो रहा है, इट्स लाइक देयर, इट इज़ सिटिंग ऑन माई लिप्स, बट बहुत ही लाइक प्यार से ऐसे अच्छी बच्ची बन के, ऐसे ख़राब मेरे को तंग नहीं कर रही है ये। So, देखो गाइस, मैं तो हो गई हूँ पूरी रेडी, मतलब जो सोनिया स्टार्ट ऑफ द वीडियो में थी ना उससे तो मैं बिल्कुल ही ज्यादा डिफरेंट लग रही हूँ, लेकिन इन अ गुड वे, है ना। पर्सनल रिव्यू, देखो मेरे को बहुत ही ज्यादा लाइट वेट लग रहा है, एंड बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लग रहा है, एंड नॉन ट्रांसफरेबल टाइप भी लग रहा है, लाइक इनफैक्ट मेरे को डे टाइम के लिए भी काफी अच्छा लग रहा है, इसमें काफी शिमरी शेड्स भी थे, तुम थोड़ा सा यू नो एक्सपेरिमेंट करके इसको नाइट टाइम वाला लुक भी बना सकते हो। एंड में लग रहा है कि फाउंडेशन में शायद एक्चुअल में कोई नीड नहीं थी, कंसीलर ने अपना पूरा कवरेज वाला मैजिक करके दिखाया है, वो एंड में यू नो ज्यादा अच्छे से पता चल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ पास। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम ये वाले मेकअप प्रोडक्ट्स कभी यूज करोगे फ्यूचर में या नहीं, या फिर तुमने करे भी हुए हैं या नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हारा रिव्यू क्या है इनको लेकर इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड या आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं, बाय।